और भैया एक रूम दिखा दो एकदम मस्त बिना डिस्टरबेंस के। सर ऐसा रूम दिखाऊंगा ना कोई बुलाने पे भी नहीं आएगा। ऐसा ही चाहिए, बिल्कुल जल्दी दिखा भाई। तो सर 2 सीटर या फिर 3 सीटर? 3 सीटर भी डबल बेड सही रहेगा ना? हैं सही रहे। तो मतलब क्या पहले ये बहन जी जाएंगी उसके बाद ये बहन जी या फिर तीनों? अबे ओए तुझे इतनी क्यूट क्यूट लड़की है, हैं बहन जी लग रही है, तू साले कम बोला कर, रूम दिखा चल। एज क्या है तुम लोग की? 16, 17, 18। फिर तो आईडी लगेगी। आईडी है? आईडी तो ना है। फिर रूम भी ना है? तो आईडी तो लगेगी। आईडी चाहिए? अभी देता हूँ उसको ऐड। ये इसकी आईडी, ये इसकी आईडी, और ये आपकी आईडी। बहुत बढ़िया सर, इसी आईडी का मैं इंतजार कर रहा था। अबे अब रूम दिखा दे, आईडी ले ली ना। सर मैं वो कह रहा था कि अगर एक आईडी और मिल जाती ना तो ऐसा रूम दिखाता कि मजा आ जाता आप लोग को। अबे आईडी की कमी नहीं है, ये ले। बहुत बढ़िया, यही चाहिए था, अब हो गई रूम। अबे जल्दी अब चाबी दे यार, बहुत देर हो गई तेरी बातों में लगे लगे। जाओ सारे रूम आपके हैं, जाओ जिस रूम में जाना है जाओ। मुझे आगे दादी चलो। आईडी मिल गई। एक्चुअली सर वो चाय बासी नहीं है, वो कल की है। सर हमको एक रूम चाहिए। सर मुझे भी एक रूम चाहिए। वेल वी हैव ओनली 1 रूम अवेलेबल सर। मुझे दे दो। सर हम आपको जो है एडवांस किराया दे देंगे, रूम हमको दे दो। सर मैं आपको 5% एक्स्ट्रा टिप दूंगा, मुझे रूम दे दो। सर मैं आपको 10% एक्स्ट्रा टिप दूंगा, रूम मुझे दे दो। मैं आपको 20% एक्स्ट्रा टिप दूंगा, रूम मुझे दे दो। हम आपको दुगना किराया देंगे, रूम हमको दे दो। मैं आपको 4 गुना किराया दूंगा, रूम मुझे दे दो। एक मिनट, देखिए रूम एक है और कपल दो, तो ऐसा करते हैं 1 घंटे आप चले जाइए, 1 घंटे आप चले जाइए, बोलो है मंजूर? हाँ ठीक है ठीक है, फिर मुझे दे दो, पर 1 घंटे में वापस आऊंगा ये मैं नहीं कह सकता। क्यों डाली? नहीं, मैं 1 घंटे वापस आ जाऊंगा, रूम मुझे दे दो। अरे नहीं यार, रूम मैं लूंगा। सर मेरा साल का फर्स्ट टाइम है तो रूम मैं लूंगा। अरे मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम है, रूम मैं लूंगा। फिर तो मैं ही लूंगा रूम, तू मत ले यार। अरे यार रूम हम लेंगे यार, तू मत ले। एक मिनट सुनिए आप लोग, ऐसा करते हैं रूम में से बेड को निकालते हैं बाहर, बीच में करते हैं पार्टीशन और 2 मैट्रेस डालते हैं, कैसा है? हाँ तो क्या डिसाइड किया आपने? रूम हम ले रहे हैं। अबे अभी तो बोला कि मैं लूंगा पहले। नहीं, रूम मैं हम लेंगे ना हम। यार तुमसे बोला कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, पहले मैं लूंगा। मेरा फर्स्ट टाइम है तभी तो हमको रूम चाहिए, रूम हमको दीजिए। नहीं नहीं आप मुझे दीजिए, ये नहीं जा रहा। पहले हमको चेंज कह रहे ना, पहले मैं लूंगा ना। पहले मैं लूंगा। चाबी आप हमें दीजिए, रूम में हम दोनों जाएंगे और आप दोनों घर जाइए। थैंक यू। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th। 10th? 11th। अच्छा एज क्या है? 16। 16? 19। इधर आओ। साले पढ़ना लिखने की उम्र में लौंडियाबाजी कर रहा। किसके साथ आया? किसके साथ आया? लड़की कहाँ? कहाँ लड़की? गाड़ी पार्किंग में लगा। कार पार्क कर रही। अच्छा फोन मिला अपने स्कूल को? स्कूल के टाइम पे साले यहाँ दोनों लौंडियाबाजी कर रहा। फोन मिला तुमको? सर स्कूल की बात करना, सर मैम से बात करनी है तो यही कर लो ना। हैं क्या मतलब? रूबी मैम। पढ़ाई छोड़ो उसकी। आप कौन है? इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर? तो यहाँ मेरे होटल में क्या करने आई हैं आप? एक्स्ट्रा क्लासेस है? ना चाबी दो। अरे यार पापा हमको भी अंग्रेजी मीडियम पढ़ाए होते
कितनी मस्त मस्त मैडम होती हैं यार। सुनो। बोलो। रूम मिलेगा? हाँ है, लड़की लाए हो या हम दें? लड़की तो लाया हूँ, अपनी वाली दिखाओ। एक मिनट बेबी। यार कमरा तूने एकदम चिल कर रखा है, लेकिन तू भी यहाँ मैं भी यहाँ, तो रिसेप्शन पे कौन है? अरे उस पियोन को बैठा रखा है, वैसे भी कोई आ नहीं रहा यार। रिसेप्शन पे पियोन को? हाँ। और यहाँ फोन पे क्या कर रहा है तू? अरे माई 11 सर्कल पर टीम बना रहा हूँ। माई 11 सर्कल, ये क्या होता है? अबे ये ना फैंटेसी क्रिकेट ऐप है माई 11 सर्कल, इसमें ना तू अपनी क्रिकेट की नॉलेज से आराम से 1 करोड़ रुपए कमा सकता है। 1 करोड़ रुपए? कैसे भाई? देख करना क्या है, इसमें जैसे 2 टीमों में मैच चल रहा है, उनमें से तुझे अपने 11 प्लेयर चूज करने हैं और अपनी टीम बनानी है, अपनी खुद की टीम। और सबसे अच्छी चीज बताऊं तू ना भाई, जैसे लक्ष्मण, रहाणे, गांगुली, वाटसन ऐसे बड़े बड़े चैंपियंस के साथ कॉम्पीट कर सकता है इसमें। क्या बात कर रहा है। और तू अभी माई 11 सर्कल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेगा ना तो भाई तुझे बहुत बड़ा कैश प्राइज जीतने का मौका है, 1 करोड़ रुपए जीत सकता है। 1 करोड़ रुपए? और हाँ, ऐप डाउनलोड करने पे 1500 रुपए का वेलकम बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा। भाई तू जो भी पैसे जीतेगा ना वो डायरेक्ट तेरे अकाउंट में आ जाएंगे। और हाँ, ये बिल्कुल सिक्योर है भाई। यार अभी करता हूँ डाउनलोड। हाँ कर ले। मैं ना तुझे लिंक भेज रहा हूँ, अगर उस लिंक से डाउनलोड करेगा ना तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा। यार और सबसे भी बोल दियो डाउनलोड करेंगे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यार मस्त चीज बताई तूने, मस्त चीज है। यहाँ पर कोई आदमी आया है, हैंडसम सा, यही कुछ 32-37 साल उम्र है। कोई लड़की आई है यहाँ, सुंदर सी, 28 साल की, सूट पहन के एकदम सेक्सी, मुंह पे दुपट्टा बांधे हुए। उसकी रॉक जैसी बॉडी है। सर पे बाल नहीं है उसके? हाँ हाँ। लंबे लंबे बाल है जिनके? हाँ हाँ हाँ। गोरे गोरे गाल है जिनके? हाँ हाँ। ऑफिस की ड्रेस में आया होगा? हाँ हाँ। आँख के नीचे काला तिल? तिल तिल तो नहीं है यार। नहीं तिल तो नहीं है, वो सो रहा है वो। तुम यही सो रहे हो? अरे तो तुमने इतनी देर कर दी, मैं क्या करता? अब घर के काम भी होते हैं, उन्हें भी निपटाना होता है। हाँ ठीक है, चलो चलो चलो। हेलो पुलिस, एक आदमी मेरे होटल में आया है किसी और की बीवी के साथ। बीवी में कितनी लकी हूँ ना कि मुझे तुम्हारे जैसा ईमानदार और हैंडसम बॉयफ्रेंड मिला है। लकी तो मैं भी हूँ बेबी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया है। पर बेबी मुझे यहाँ थोड़ा डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, वो पहली बार है ना। लेकिन आज नहीं कल तो ये सब करना ही है ना, तो क्यों ना आज ही कर ले। लेट्स गो। वेलकम सर, हाउ मे आई हेल्प यू? हाँ हाँ, एक रूम चाहिए, रूम रूम चाहिए। रूम? हाँ सर रूम मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। आईडीज प्लीज। हाँ आईडी दो। थैंक यू मैम। सर आपकी आईडी? क्या वो मिल नहीं रही क्या? हाँ यार आईडी मिल नहीं रही है। अरे सर मिलेगी कहाँ से, आपकी आईडी तो मेरे पास पड़ी हुई है, कल आप मैम के साथ आए थे ना तो छोड़ गए थे यहीं पे। तुम यहाँ किसी और के साथ आए थे? मैं क्यों आऊंगा, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। हाँ अरे याद आया बेबी, मेरा ना पर्स चोरी हो गया था तो उसमें मेरी आईडी थी। हाँ भैया दिखाना, जरा दिखाना। सर ये देखिए आपकी आईडी। अरे ये तो मेरी आईडी है। अरे थैंक यू भैया, तुम्हें मेरी आईडी मिल गई। बेबी मेरा पर्स चोरी हो गया था, ये आईडी मिल गई। नहीं सर पर्स नहीं चोरी हुआ था, आप कल छोड़ गए थे यहाँ पे और जिनके साथ आए थे उनकी आईडी मेरे पास। ये देखिए मैम की आईडी, सोनल नाम, सोनल। ये कौन है? अरे ये तो चाची है, चाची, बनारस वाली चाची। अरे चाची नहीं, एकदम जवान लड़की थी मैडम। लेकिन आप, आपके सामने कुछ नहीं, क्या हुस्न है, वाह। अरे इनसे तो सुंदर कोई है नहीं भाई साहब, सबसे सुंदर लड़की है, आज तक मेरे जीवन में इतनी सुंदर लड़की नहीं आई है। और तुम भैया कुछ भी झूठ झूठ बोलो, मैं किसी के साथ नहीं आया था ना, तुम्हें पैसे चाहिए मैं पैसे दे दूंगा। अरे पैसे तो लूंगा ही मैं, वो तो मैंने कल भी लिए थे और आज भी लूंगा, लेकिन तू यहाँ पे कल आया था और तू 2 घंटे रुक गया था। 3 घंटे था? हाँ 3 घंटे, 3 घंटे रुके। साले झूठे कमीने, तूने मुझे चीट किया। नहीं नहीं बेबी, वो बेबी आ रहा हूँ मैं, पहली बार है मेरा। अबे कहाँ चला गया? अबे यार फिर आईडी छोड़ गया अपनी, अब कल फिर फंसेगा, मेरा क्या है। कितने दिनों बाद ये टाइम मिला है ना हमें,
आज का पूरा वक्त हमारा है। आइए 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 आइए, ये दोनों, ये साला शादीशुदा है और ये दूसरे की बीवी लेके होटल में आया है। मैंने इनकी बातें सुनी है सर, पकड़ो पकड़ो सालों को। शकल से दो बच्चों का बाप लग रहा है तू, और दूसरे की लुगाई गैल आड़े लोट मार रहा है, साढ़े शर्म नाती तरह। अरे क्या बकवास कर रहा है, ये बीवी है मेरी और ये हस्बैंड है मेरे। अरे सर इनकी बातों में बताना, मैं जानता हूँ इनकी बातें सुनी है मैंने, पकड़ो आप। एक बात बता मैंने तू, अगर ये थारी बीवी है, तू इसका पति है, तो होटल में हनीमून क्यों बना रहे हो, घर में जगह ना मिलती तुम्हें? नहीं मिलती घर में जगह, सबके घर बड़े नहीं होते, फैमिली रहती है, बच्चे हैं, सुबह उठ के काम पे जाओ, फिर शाम को थक के घर पे आओ, फिर माँ बाप की सेवा करो, बच्चों को खिलाओ, पूरी जिंदगी तो इसी में निकल जाती है। ऐसे में हम दोनों का खुद का समय तो खत्म हो गया ना। घर का काम करो, बच्चों को संभालो, मेहमानों को देखो, और फिर सोते समय कोई भी आ जाता है मुंह उठाकर दरवाजा खटखटाने के लिए। दो कमरों के घर में 8 लोग रहते हैं, और उसमें भी कोई रिश्तेदार आ जाए तो उसको भी साथ सुलाओ। अरे जॉइंट फैमिली का दर्द क्या होता है ये तुम्हें क्या पता? अगर दो पल प्यार के कहीं बिताने आ गए तो तुम जैसे लोग जज करने लगते हो। यार मैनेजर, इसने तो मारी कहानी सुना दी यार, मने ऐसा लग रहा है यो मैं हूं। तू चिंता मत कर यार, जो करना है करो तुम। ये आजकल के लौंडे लौंडियों के चक्कर में गलतफहमी हो गई साहब, मतलब रहो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से ये रूम आपका है, आप चाहे जब आओ जितनी बार आओ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आप लोग। क्या बात है, तुम तो बहुत सही एक्टिंग करते हो, क्या घुमा घुमा के डायलॉग मारे हैं। पिक्चरें देखने का असर तो तुम पे भी हो रहा है। अब जाओ जल्दी गेट बंद कर कराओ। हेलो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो देख के बहुत मजा आया होगा। तो अब जल्दी से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और फेवरेट पार्ट जरूर बताए अपना कॉमेंट में, तो भर भर के कमेंट कर दो ना यार। और हाँ, My11Circle ऐप डाउनलोड कर लो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? नीचे लिंक है, तो जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लो, और वीडियो शेयर करना ना भूलना है, कर दो, लव यू।